हाय एवरीवन, वेलकम इन आर्ट एंड डिजाइंस बाय मिराज। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंड रैपिंग टेक्निक्स। यस गाइस, रैपिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैशन डिजाइनिंग। इसके लिए आपको समझना है अंडरस्टैंड मटेरियल रिक्वायर्ड। उसमें सबसे नंबर वन पे आता है आपका अंडरस्टैंड अबाउट ड्रेस फॉर्म और मैनिक्वीन। मैनिक्वीन को हम साइज वाइज समझते हैं। सबसे पहले 8 नंबर, 10 नंबर, यू के साइज 12 नंबर आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैनिक्वीन को हम साइज के हिसाब से परफेक्ट एनालिसिस करें। अब आते हैं कितने तरह के मैनिक्वीन होते हैं। मैनिक्वीन मार्केट में डिफरेंट टाइप पे अवेलेबल है, जिसमें स्टैंड वाले, वुडन स्टैंड वाले, एडजस्टेबल मैनिक्वीन्स एंड जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। सो हाउ टू मेक योर ऑन ड्रेस फॉर्म, ये भी बहुत जल्द हम सीखने वाले हैं हमारे इसी चैनल पे आर्ट एंड डिजाइंस बाय मिराज में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहीं जाइएगा मत, बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये फ्री क्लास हम आप सबके लिए लाए हैं। रैपिंग डिजाइंस शुरू करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैनिक्वीन के बॉडी पार्ट का एक एक लाइनअप, और मैं लेके चलती हूँ अपने क्लास के तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी मैनिक्वीन को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, कैसे उसकी साइज के हिसाब से फिटिंग चेक करते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जब ड्रैपिंग शुरू करते हैं एक एक सिंगल लाइंस को कैसे एनालिसिस करते हैं एंड कैसे कंस्ट्रक्शन लाइन राइट अप करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रेस फॉर्म के बारे में समझाऊंगी, फिर मैं आपको अपने क्लास की डिटेल बताऊंगी और मैं सिखाऊंगी कि बेसिक बॉडी कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी है बेसिक बॉडी सीखना ड्रैपिंग डिज़ाइन में। चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द मैनिक्वीन। सो गाइज, मैनिक्वीन ड्रेस फॉर्म कितने भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहले अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, समझिएगा इस बात को। शोल्डर से वेस्ट तक की जो बॉडी का पार्ट है उसे कहते हैं अपर बॉडी, और वेस्ट से डाउन साइड फीट तक का जो पोजिशन है उसे कहते हैं लोअर बॉडी। अब आते हैं अपर बॉडी के मेजरमेंट में और उसके डिटेल्स, और एक एक लाइन जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन है उनको अंडरस्टैंड करेंगे, नाम को स्टडी करेंगे और समझेंगे इन नाम का इम्पॉर्टेंट क्या है। सो गाइज, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ड्रेस फॉर्म के ऊपर रेड स्ट्रिप लगी हुई है, उसे कहते हैं फैशन टेप। जब कभी भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं इस टेप का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देती हूँ कि आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि ड्रेस फॉर्म पर रेड स्ट्रिप है, इसमें नाम भी मेंशन्स है। तो अगर आप वाकई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या ड्रैपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप फटाफट मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो पे कितने नाम स्टडी किए। मैनिक्वीन के ऊपर जो मेंशन्स हैं वो नाम आपको मुझे बताना है लिख के, और इस वीडियो को मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, एक एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी और अपने क्लास की भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी अगर इस वीडियो को 100+ लाइक मिलता है। सो दोस्तों, अगेन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा वीडियो कुछ नया सिखा रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ना, स्टडी करना, कैरियर में ग्रोथ करना पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्लास की तरफ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमने क्लास में सीखा बेसिक बॉडी ड्रैप करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या देना है, स्लैश करना है। क्यों? क्योंकि हमारा फैब्रिक को स्मूथ में देना है, कहाँ तक, वेस्ट के हाफ इंच डाउन तक। ठीक है, कितने मिनट्स लगे बेसिक बॉडी में? टेन मिनट्स। यस, चलो अब आप लोग एक बार बेसिक बॉडी सीख लेना निहार का, फिर आप तो फिर कुछ भी डिजाइन डाल सकते हो। बहुत जरूरी है कि बेसिक बॉडी का फिटिंग हमें अच्छे से पता हो। ठीक है, शालिनी देखा? शालिनी देखा कैसे सीखते हैं? यस मैम।
अब इसके ये कर लो, फिर मैं सेंटर फ्रंट की स्टडी नोट्स लिखाऊंगी और समझाऊंगी कि क्यों जरूरत पड़ती है एंड क्या क्या हमें हम बेसिक बॉडी से क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं। क्लियर है मैम? हाँ, if this is like a 10 number manicure, right? If we get like a heavy side, so if we'll do on the same manicure, how we can fit to the bigger one and for the smaller one? Okay, जैसे कि तुमने questions बहुत अच्छा पूछा, ये है 10 size. 10 size का measurement क्या होता है? जो भी medium size होता है, ठीक है, जितने भी human body का medium size है, ठीक है, 36, 36 plus 2 inch जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 2 inch loose कितना है, लेकिन 36 से अबो लेना है 40, तो फिर आपको कौन सा मैनिक्यून यूज करना है? 12 नंबर का। 12 नंबर का चेस्ट साइज कितना होता है? 40, ठीक है, क्लियर है? तो ऑलवेज एज ए, ऑलवेज एज ए ड्रैपिंग डिजाइनर हमें तीनों साइज के ड्रैप मैनिक्यून रखना है, 8 नंबर, 10 नंबर एंड 12 नंबर, ठीक है।